और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ ऑल का बटन दबा लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट फोन इन 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट के अंदर 5 बेस्ट फोन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 अलग अलग कैटेगरी के बेस्ट फोन, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं खींचते हैं। सबसे पहले हमारा आता है Realme का C11, जो कि एक बहुत ही अच्छा फोन है। इस फोन में आप लोगों को कमाल की स्पेक्स देखने को मिलती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme C11 की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 इसका आप लोगों को MediaTek Helio G35 प्रोसेसर मिलता है, 2GB RAM और 32GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.52 इंचेस की आप लोगों को HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिलती है। वहीं पर कैमरे की बात करें तो 13+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को मिलती है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को 7999 रुपये की कीमत में देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे हमारा आता है Redmi का 9 Prime, जो कि एक बहुत ही ऑसम फोन है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2GB का आप लोगों को MediaTek Helio G80 प्रोसेसर मिलता है, 4GB RAM और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें 13+8+5+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सिस्टम मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5020mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिलता है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो फोन आप लोगों को 9999 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। तीसरा फोन आता है हमारा Redmi का Note 8 Pro, जो कि एक बहुत ही ऑसम फोन है। Redmi Note 8 Pro की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑक्टा कोर 2.05 का आप लोगों को MediaTek Helio G90T प्रोसेसर मिलता है, 6GB RAM और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सिस्टम मिलता है डुअल LED फ्लैश के साथ, और 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट मिलता है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो ये फोन आप लोगों को 14872 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है, आप इसको बाय कर सकते हैं। दूसरा फोन आता है निकलकर यहाँ पर Redmi Note 9 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 9 Pro बहुत ही ऑसम फोन है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फोन की तो आप लोगों को परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 इसका स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है, 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 48+8+5+2 मेगापिक्सल का आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 5020mAh की बैटरी, फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिलता है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 14999 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। आता है हमारा यहाँ पर Realme की तरफ से 7 Pro। जी हाँ दोस्तों, Realme 7 Pro एक बहुत ही लाजवाब फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। Realme 7 Pro की अगर बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में ऑक्टा कोर 2.3 की इसका स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर मिलता है, 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की आप लोगों को सुपर एमोलेड फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है LED फ्लैश के साथ, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी, सुपर डार्ट चार्जिंग ऑप्शन और USB Type-C पोर्ट आप लोगों को मिलता है। फोन देखने में बहुत ही ऑसम लगता है। अगर इस फोन के प्राइस की बात करें तो आप लोगों को 19999 रुपये की कीमत में देखने को मिल जाता है। बहुत ही लाजवाब फोन है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 बेस्ट फोन इन 5 मिनट। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।